नमस्कार साथियों, इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज का सेशन रहेगा 15 नवंबर 2023 इंडिया करंट अफेयर्स का। इस सेशन में साथियों जितने ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन रहे हैं इंडिया करंट अफेयर्स के, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। साथ ही उन प्रश्नों से जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण तथ्य आपसे आगामी प्रतियोगिता परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, उन पर भी मैं आपके साथ जानकारी साझा करूंगा। सेशन को पूरा देखिएगा साथियों, आपको पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा। तो शुरुआत करेंगे साथियों सेशन की। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, हाल ही में भारतीय नौसेना ने कहां पर 14वां विशेष बल गोताखोरी पुनश्चर्य शिविर शुरू किया है? तो आंसर होगा मॉरिशस में भारतीय नौसेना के द्वारा है जो 14वां विशेष बल गोताखोरी शिविर है जो शुरू किया गया है। भारतीय नौसेना की जो समुद्री कमांडो मोरकोस और गोताखोरों के जो मोबाइल ट्रेनिंग टीम है उसको एमटीटी भी बोला जाता है, ने पोर्ट लुइस मॉरिशस में मॉरिशस पुलिस बल के लिए विशेष बल और गोताखोरी पुनश्चर्य शिविर के 14वें संस्करण की शुरुआत की है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, आपसे पूछा जा सकता है कि हाल ही में भारतीय नौसेना ने कहां पर 14वां विशेष बल है जो गोताखोरी शिविर शुरू किया है? तो आंसर होगा मॉरिशस में। आगे बढ़ेंगे साथियों, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, हाल ही में कौन सा देश आधिकारिक तौर पर यूरोपीय सशस्त्र बलों की संधि से बाहर हो गया है? तो आंसर होगा रूस। आपसे पूछा गया है कि कौन सा देश आधिकारिक तौर पर यूरोपीय सशस्त्र बलों की जो संधि थी उसे बाहर हो गया है? तो आंसर होगा रूस। तो साथियों, रूस ने इस संधि पर 1990 में हस्ताक्षर किए थे। इस संधि के अंदर जो भी परमाणु हथियार होते हैं उनको एक सीमित मात्रा में अपने पास रखने का प्रावधान है, और अब रूस ने इस संधि से बाहर होने का फैसला किया है। रूस और यूक्रेन के बीच साथियों काफी लंबे समय से युद्ध चल रहा है, आपको पता है, और अब रूस के द्वारा यह लिया गया निर्णय भी आगामी भयंकर परिणाम देखने को अपने को मिल सकते हैं। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, हाल ही में 19वें कलाकार पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा अपोलिनारिस डिसूजा। 19वें कलाकार पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा अपोलिनारिसा डिसूजा को सम्मानित किया गया। यह कौन है ये अपने को पता होना चाहिए और यहां से ही प्रश्न बनेगा। तो यह कोंकणी गायक, गीतकार और संगीतकार कहें कौन? अपोलिनारिस डिसूजा, इन्हें हाल ही में 19वें कलाकार पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, वामन वृक्ष कला पुस्तक का विमोचन किसके द्वारा किया गया? आपसे पूछा है वामन वृक्ष कला पुस्तक का विमोचन किसके द्वारा किया गया? तो आंसर होगा जगदीप धनखड़ के द्वारा। तो ये जो वामन वृक्ष कला पुस्तक है इसके लेखक कौन है, ये भी क्वेश्चन इंपोर्टेंट बन जाता है। आपसे पूछा है विमोचन, विमोचन तो जगदीप धनखड़ जी के द्वारा किया गया है। आपसे पूछ ले वामन वृक्ष कला पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये गोवा के राज्यपाल PS Pillai के द्वारा इस पुस्तक को लिखा गया है। इंपोर्टेंट है साथियों, पूछा जा सकता है। वामन वृक्ष कला पुस्तक का विमोचन किसने किया? जगदीप धनखड़ जी के द्वारा किया गया। यह पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो आंसर होगा गोवा के राज्यपाल PS Pillai के द्वारा इस पुस्तक को लिखा गया है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, पूछा जा सकता है आपसे। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, अक्टूबर महीने के ICC प्लेयर ऑफ द मंथ कौन बने हैं? अक्टूबर महीने के ICC प्लेयर ऑफ द मंथ कौन बने हैं? तो आंसर होगा रचिन रविंदर और हेली मैथ्यूज को चुना गया है ICC के द्वारा। साथियों, प्रत्येक महीने में जो भी प्लेयर है जो बेहतरीन प्रदर्शन करता है उसको प्लेयर ऑफ द मंथ का खिताब दिया जाता है। अक्टूबर महीने के लिए रचिन रविंदर जो कि न्यूजीलैंड के हैं उन्हें, और हेली मैथ्यूज जो वेस्ट इंडीज की है उनको चुना गया है। रचिन रविंदर हैं जो लगातार साथियों वर्ल्ड कप में बेहतरीन प्रदर्शन कर रहे हैं। आगे बढ़ेंगे, और जो हेली मैथ्यूज है ये वेस्ट इंडीज की हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, हाल ही में किस विश्वविद्यालय ने उपभोक्ता अधिकार जागरूकता अभियान आयोजित किया? हाल ही में किस विश्वविद्यालय ने उपभोक्ता अधिकार जागरूकता अभियान आयोजित किया? तो आंसर होगा बहरामपुर विश्वविद्यालय है उसके द्वारा साथियों
उपभोक्ता अधिकार जागरूकता अभियान है उसका आयोजन किया गया था। 7 नवंबर 2023 को ओडिशा के करापल्ली बाजार में उपभोक्ता अधिकार जागरूकता अभियान का आयोजन किया गया। इंपोर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि उपभोक्ता अधिकार जागरूकता अभियान है जो ओडिशा के कारापल्ली बाजार में उपभोक्ता अधिकार को जागरूक करने के लिए इस अभियान का आयोजन किया गया। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आगामी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के लग्जरी ब्रांड बियोनी ने भारत में प्रवेश किया है? तो आंसर होगा इटली। यानी एक जो कपड़े का ब्रांड है विशेष तौर पर ब्रियोनी, उसने भारत में प्रवेश किया है। यह ब्रांड किस देश का है? तो आंसर होगा इटली। अब इसको भारत में कहां पर लॉन्च किया गया, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो इसको दिल्ली द चाणक्य मॉल में इसको लॉन्च किया गया। कहां पर? दिल्ली द चाणक्य मॉल में इसको लॉन्च किया गया। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। आगे बढ़ेंगे साथियों, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहे ओलंपस AI मॉडल का संबंध किससे है? हाल ही में चर्चा में रहे ओलंपस AI जो मॉडल है उसका संबंध किससे है? तो अमेजोन से है। किससे है? अमेजोन से है। ये चीज है क्या? ये AI पर आधारित एक भाषा मॉडल है, ये भी अपने को पता होना चाहिए। AI आपको ही पता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, उस पर आधारित यह एक भाषा मॉडल है। पूछा जा सकता है साथियों आपसे। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, तीरंदाजी में पुरुष में रिक्रो में पहला ओलंपिक कोटा किसने दिलाया है? यानी भारत में जो पुरुष रिक्रो है तीरंदाजी में पहला ओलंपिक कोटा किसने दिलवाया है? तो आंसर होगा धीरज बोमा देवरा ने। किसने दिलवाया है? धीरज बोमा देवरा के द्वारा है, जो पहला ओलंपिक कोटा है जो तीरंदाजी में दिलाया गया है। पूछा जा सकता है आपसे, तीरंदाजी में इन्होंने पहला कोटा है जो हासिल कर लिया है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है साथियों, आपसे पूछा है विश्व की पहली रोबोट CEO कौन बनी है? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है साथियों, आगामी प्रतियोगिता परीक्षा में आपसे पूछा जा सकता है। आपसे पूछा है विश्व की पहली रोबोट CEO कौन बनी है? तो मीका बनी है। जो इसके जो इकाटोडोर कंपनी है उसने मीका नामक दुनिया के पहले ह्यूमन राइट रोबोट को CEO बनाया है, ये भी अपने को पता होना चाहिए। डिकाटोडोर कंपनी ने मीका नामक दुनिया के पहले ह्यूमन राइट रोबोट को CEO बनाया है। आपसे पूछे विश्व की पहली रोबोट CEO कौन बनी है? तो आंसर होगा मीका बनी है। तो साथियों इस सेशन में मैंने आपके साथ इंडिया करंट अफेयर से संबंधित जितने ही महत्वपूर्ण प्रश्न बन रहे थे वो शेयर किए हैं, साथ ही उन प्रश्नों से जुड़े हुए जो भी महत्वपूर्ण तथ्य थे वो भी मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। आपको लगातार 11 नवंबर तक क्लास मिली थी साथियों, उसके बाद 12 व 13 नवंबर को इंडिया करंट अफेयर्स व राजस्थान करंट अफेयर्स की क्लास नहीं मिली थी। उनमें से भी 2 दिनों में जो महत्वपूर्ण प्रश्न बन रहे थे वो हम जो डेली का आप सेशन होगा उसमें ऐड कर लेंगे। तो इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल से जुड़े रहिएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा। इंस्टाग्राम पर भी हमें फॉलो कीजिएगा, वहां पर आपको वन लाइनर के रूप में इंडिया करंट अफेयर्स व राजस्थान करंट अफेयर्स मिलता है। इसके अलावा साथियों वहां पर जो भी महत्वपूर्ण सरकारी जॉब की जो जानकारी होती है वो शॉर्ट वीडियो के माध्यम से शेयर कर दी जाती है। तो इन्फ्यूजन नोट्स के इंस्टाग्राम पर भी जुड़ना आपके लिए काफी फायदेमंद रहेगा। टेलीग्राम पर जुड़ेंगे तो आपको डेली है जो PDF फ्री में प्रोवाइड होगी, मंथली और जो डेली का करंट अफेयर्स होता है। धन्यवाद साथियों।